हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एढ़र करी रेसिपी। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे अरबी पत्ता कटिंग कर लेंगे और उड़द जो भिगो के रखे हुए हैं उसको अच्छे से धो लेना है इस तरीके से मसल मसल के। उसके बाद जो है इसको छान लेना है, फिर उसे सिलबट्टे से इस तरह से पीस देना है। सिलबट्टे से पीसने से इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसे सिलबट्टे से पीसेंगे इस तरीके से। एकदम चिकना नहीं करना है, मीट करना है दरदरा टाइप का इस तरीके से। ज़्यादा चिकना होगा तो टेस्ट बदल जाएगा। फिर अरबी पत्ता को धो लेंगे, और साथ ही ऐड कर लेंगे लहसुन मिर्च का पेस्ट। अब उसके बाद जो है इसको फेंट देंगे अच्छे से इस तरीके से। और जब ये थोड़ा टाइट लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये हल्का हो जाए और अच्छे से फेंटने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे ले लिए हैं कुछ अरबी पत्ता और इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ ही ऐड करेंगे इसमें लहसुन मिर्च का पेस्ट। लहसुन मिर्च का पेस्ट ऐड करने से जो है इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको कुछ टाइम फेंट देंगे। उसके बाद अरबी पत्ता में उल्टे साइड में इस तरीके से इसको लगा लेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। सब तरफ प्रॉपर कवर करना है। धीरे धीरे से इस तरीके से यहाँ पे पूरा कवर हो चुका है। अब इसको फोल्ड कर देंगे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसमें थोड़ा सा लगा लेंगे और फिर उसके बाद इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसमें ऊपर में और थोड़ा सा लगा लेंगे साइड साइड को, ताकि पत्ता जो है वो साइड से निकले ना तलते टाइम इसको। अब ये बन चुका है, इस तरीके से सारे बना लेंगे। उसके बाद इसको तवा में रख देंगे और इसके ऊपर में तेल डाल देंगे। इस तरीके से बीच बीच में जो जगह है उसमें तेल डालना है। उसके बाद जो है गैस ऑन कर लेना है और गैस में तवा को रख देना है। मीडियम आंच में इसको पकाना है, ढक्कन बंद करके इस तरीके से कुछ टाइम बाद इसको ओपन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो है पकना स्टार्ट हो चुका है। अब इसको उल्टा कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सावधानी के साथ करना पड़ता है इसको, उल्टा करने में थोड़ा दिक्कत जाता है, जैसा कि अभी मेरे को जा रहा है दिक्कत, आप लोग देख सकते हैं। ये चिपक जाता है अगर पास पास में हो जाए तो, थोड़ा सा एक दूसरे से। तो इसको पहले
सेपरेट करना है, उसके बाद इसको उलट देना है इस तरीके से, ध्यान से करना है नहीं तो ये टूट जाएगा। इस तरीके से उलट देंगे एक एक करके। सबको ये यहाँ पे चिपक गया है तो ये दोनों को सेपरेट कर लूँगी मैं पहले। सेपरेट करने के बाद जो है इसको उलट देना है इस तरीके से। यहाँ पे एक बच गया, इसको भी कर लेंगे। अब ऐसे करने के बाद जो है, उलटने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ब्राउन कलर के होते तक। जब तक ये पकता है तब तक हम टमाटर का पेस्ट, लहसुन मिर्च का पेस्ट और आम का खोला जो है तैयार रखेंगे। अब ये पक चुका है, नीचे एक बार चेक कर लेते हैं पका है कि नहीं। अब देख सकते हैं पक चुका है, तो सबको उलट देंगे इस तरीके से और नीचे थोड़ा देर और पकाएंगे। अब ये पूरी तरह से पक चुका है, अब इसको स्माइल बाइट कर लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा बना लेंगे इस तरीके से। आप लोग चाहें तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं। अब उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम जब हो जाएगा तब हम इसमें 5 फोरन डाल देंगे। 5 फोरन जो है वो खट्टा सब्जी के लिए अच्छा होता है, तो जब भी मैं खट्टा सब्जी बनाती हूँ तो मैं 5 फोरन यूज़ करती हूँ। अब इसमें ऐड करना है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को कुछ टाइम भून लेंगे। अब कड़ी पत्ता भून चुका है, इसमें ऐड करना है लहसुन मिर्च का पेस्ट। लहसुन मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको कुछ टाइम भून लेंगे। अब ये भून चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे लाल कश्मीरी मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें करछी चला लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है और खुशबू भी मस्त आ रहा है कड़ी पत्ता का। खट्टा सब्जी में कड़ी पत्ता डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इस तरीके से इसको कुछ टाइम भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। अब इसको कुछ टाइम भून लेना है। इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें ऐड कर देंगे आम का जो खोला हम लोग रखे हैं उसको, कच्चा आम को सुखा के रखते हैं उसको खोला बोलते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद सबको कुछ टाइम और पकाएंगे, उसके लिए कवर कर देंगे इसको। कुछ टाइम पकाने के बाद इसको अनकवर कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं पेस्ट जो है वो अच्छे से भून चुका है। अच्छे से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कलर जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है, खुशबू जो है वो भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, टेस्टी टेस्टी खुशबू। अब जब हमारा पेस्ट अच्छे से भून चुका है आप लोग देख सकते हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी।
यहाँ पे ज़्यादा पानी ऐड करना है क्योंकि ये खट्टा सब्जी है, इसीलिए इसमें से हम लोग थोड़ा सा रसा रखेंगे। अब इसमें उबाल आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम उसमें ऐड कर देंगे अरबी पत्ता का जो बनाए हुए हैं उसको। अब इसको सारा ऐड करने के बाद इसे कुछ टाइम और पकाएंगे। अगर आप लोग को ग्रेवी चाहिए चुपचुपा टाइप का तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं दही, दही में भी टेस्ट अच्छा आता है। मैं दही वाला सब्जी नहीं खाती हूँ इसीलिए इसमें दही ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसको कवर करके पका लेंगे कुछ टाइम, उसके बाद इसको अनकवर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें। अब हमारा उड़द और अरबी पत्ता की सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसमें ऐड कर देंगे धनिया। सब्जी जो है तैयार हो चुका है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और एक बार अरबी पत्ता की सब्जी जो है वो ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब्जी, टेस्टी टेस्टी सब्जी जो है वो रेडी हो चुका है। थैंक यू।